इस क्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर सुनील कुमार, रिसर्च एसोसिएट महायोगी गोरख, श्री गोरखनाथ शोधपीठ गोरखपुर। आदरणीय मंजा सिंह अध्यक्ष महोदय, सह अध्यक्ष महोदय, विषय विशेषज्ञ महोदय और यहाँ उपस्थित अध्यापकगण तो विद्यार्थीगण, हमारे जो पेपर का आज विषय है वो है वर्तमान में भारत नेपाल संबंध एक विहंगम दृष्टि। इस पेपर में हमने जो है जिस विषय की चर्चा किया है वह विषय जो है भारत नेपाल संबंधों की जो वर्तमान में स्थिति, वर्तमान काल में जब नई चीजें डेवलप हो रही थी तब से लेकर के अब तक जो है हमने विभिन्न सेगमेंटों में बांट कर है इस पर दृष्टि डाली है। वर्तमान आधुनिक काल जो है खास करके जो जब ब्रिटेन साम्राज्य का लगभग अंत होता है तब से हम मान सकते हैं शुरू होती है, और इस परिप्रेक्ष्य में भारत और नेपाल के संबंध जो है एक डिफरेंट वे में उभरते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत और नेपाल की साझी सांस्कृतिक विरासत रही है और हमारे जो पौराणिक एवं जो दार्शनिक बौद्धिक जो ताने वाने रहे हैं वह लगभग जुड़े हुए रहे हैं। बुद्ध का जीवन है या योगियों का जीवन है, ये सारे चीजें जो है वो कहीं से भी अलग थलग नहीं रही है, वो एक समान रही है। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का आधिपत्य जब समाप्त होता है तो संबंध एक दूसरे रूप में सामने आते हैं और चीजें बहुत तेजी से परिवर्तित होती है, और इन परिस्थितियों में जो है चीन का एक नए समाजवादी देश के रूप में या साम्यवादी देश के रूप में उद्भव होता है, और चीन की जो नीति रही है वह नीति बिल्कुल अलग अलग रही है और उसकी विस्तारवादी नीति रही है, और उस विस्तारवादी नीति के कारण वह तिब्बत को अधिग्रहित कर लेता है और साथ ही साथ जो है अपने पांच उंगलियों के सिद्धांत के रास्ते पर वो चलना चाहता है। तो नेपाल को भी उस समय नेपाली शासन व्यवस्था को भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं नेपाल भी चीन के जो नीतियों के दायरे में आ सकता था, वह थोड़ा सा अलग तरीके अपनाता है आधुनिक संदर्भों के साथ आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, और 1950 में भारत नेपाल के साथ शांति और मित्रता की संधि होती है। फिर चीजें भारत और राजनीतिक स्तर पर चीजें चलती रहती हैं क्योंकि भारत भारत भी 1947 में स्वतंत्र होता है और भारत के जो राज्य रहे हैं वह राज्य भी ऐसा सिस्टम था कि कुछ फ्रांसिसो के कब्जे में था, कुछ पुर्तगाल के कब्जे में था, तो धीरे धीरे भारत उन राज्यों को अपने भीतर जो है समाहित करता है, तो सिक्किम को भी इस परिप्रेक्ष्य में शामिल करता है। नेपाल को लगता है, डर होता है, सशंकित हो जाता है नेपाल कि कहीं ना कहीं नेपाल को भी हमारी इतनी सांस्कृतिक घनिष्ठता रही है, वो भी एक भारत अपने आप को भारत अपने में सम्मिलित कर ले तो फिर हमारी अलग देश की जो एंटिटी है वह कहीं समाप्त ना हो जाए, और इस चीज को ध्यान में रख करके वह एक डिफरेंट विदेश नीति पर चलना शुरू करता है जिसे जो इसके विषय विशेषज्ञ हैं लोग जानते हैं समदूरी का सिद्धांत कहते हैं कि हम एक दूरी बना करके हर देश से रखेंगे, चीन से भी रखेंगे, भारत से भी रखेंगे, सब जितने देश हैं पड़ोसी सभी देशों से रखेंगे, लेकिन भारत की सोच है इस तरह से नहीं होती है। भारत चूंकि नेपाल पूरी तरह से भू आपद्ध देश है, भारत उसके साथ एक विशेष संबंध चाहता है जो कि सदियों से रही है, हालांकि नेपाल भी चाहता है लेकिन नेपाल में कहीं ना कहीं ये शंका होती है। तो वर्तमान में इन चीन और भारत दोनों देश के को एक तरह से समन्वय करते हुए या एक तरह से जो है दोनों देशों के
दोनों देशों जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक दोनों देशों के कदमों को भांपते हुए नेपाल आगे बढ़ रहा है। तो अब हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए जो चुनौतियां आती हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ समस्याएं हैं, इस पर भी हमने उस अपने पेपर में जो है चर्चा किया है। और तो सबसे बड़ी जो चीज है कि जो आज के हमारे संबंध चलेंगे वो पूरी तरह सांस्कृतिक तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ कहीं न कहीं आगे जो चलने वाला है वह आर्थिक संबंध, जितना बेटर होगा उतना ही वो देश साथ साथ रहेंगे, क्योंकि सांस्कृतिक संबंध हम जानते हैं गल्फ कंट्री जो है, इराक है, ईरान है, सऊदी, आपस में भी रहती है, लेकिन हम जानते हैं इराक ईरान एक दूसरे से साथ नहीं चल सकते, जबकि सेम सांस्कृतिक कल्चर वहां पर है। तो ऐसा यहाँ भी भविष्य में संभव है, तो इसलिए भारत को इस संबंध में सतर्क रहना होगा। जैसे चीन जो है नेपाल में वन रोड वन बेल्ट वन रोड की संकल्पना लेकर के आया है, तमाम आर्थिक इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो भारत को भी इस पर नजर रखनी होगी इन्वेस्टमेंट्स पर। और इसके लिए भारत को भी, हालांकि भारत करता रहा है, और भारी इन्वेस्टमेंट करना होगा, ताकि नेपाल की मॉडर्नाइजेशन में जो अगर नेपाल चाहता है तो भारत कहीं उसमें चीन से पीछे न हो, तो इसमें ध्यान रखना होगा। और फिर ये जो डर की भावना है नेपाल को भारत के प्रति, भारत को भी इसको दूर करना होगा, जैसा कि नेपाल सत्ता को भी कभी कभी ये चीजें रहती हैं 1950 की संधि में संशोधन करने की, तो भारत हालांकि तैयार रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा अगर इसमें नेपाल को इसमें संशोधन चाहिए तो प्रस्तुत रहना होगा भारत को। लेकिन जो जन रुझान है नेपाल की जनता का, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, मूल भावना को सुरक्षित रखते हुए इसमें सांदर्भिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। और एक सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए अब नए हिसाब से हम बार बार पुराने जो संबंध है उसका हवाला देते हुए हम बहुत सीमित नहीं रह सकते कि ऐसा रहा है तो भविष्य में भी ऐसा रहेगा। जैसे हम गल्फ कंट्री में देखते हैं हमेशा संभव नहीं है, तो आज के हिसाब से हमें उसमें चेंजेस करने होंगे। जैसे चाइना जो है, जैसे कन्फ्यूशियस सेंटर नेपाल में खोले हुआ है, अपने देश में भी खोलने का प्रयास कर रहा है, तो हमें सतर्क रहना होगा। हमें भी नेपाल में ऐसे सेंटर खोलने होंगे जो हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत को सजो कर रख सकता है, जैसे हमारे यहाँ नाथ पंथ का, सिद्धों की परंपरा का, और हमारे शैव परंपरा का, बुद्धिज्म का बहुत ही गहरा पुराना संबंध रहा है। तो ऐसे दार्शनिक सेंटर हमें खोलने होंगे नेपाल में, वहाँ के यूनिवर्सिटियों में, जिससे एकेडमिक लेवल पर जो है इन चीजों की गहराइयों को आज के जमाने के हिसाब से जो है इस पर रिसर्चेज किया जा सके। हालांकि जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगी, तैसे और भी प्रोग्राम चलने चाहिए उस सेंटर के आलोक में। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।